नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा झारखंड में खूब हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि पहली बार दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार के इर्द गिर्द रहा और करीब 26 मिनट तक लगातार हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर निशाना साधा गया। आप सभी को पता है कि अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पिछले 5 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद रांची लौट आए हैं और आप सबों को ये सब भी पता चल गया होगा फॉलोअप के जरिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी के सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। इस बीच दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ 26 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इसके क्या मायने हैं, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और लगातार 26 मिनट तक बीजेपी का कोई प्रवक्ता दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठकर झारखंड की सरकार के खिलाफ बोला है। क्या कुछ बातें हुई और इसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजय। संजय, पहले तो ये बताइए कि 26 मिनट तक लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कई लोग बोल रहे हैं कि शायद पहली बार ऐसा हुआ हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में कि उनकी सरकार के खिलाफ लगातार 26 मिनट तक कोई प्रवक्ता दिल्ली में बैठकर बोला, इसके क्या मायने हैं, जबकि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका भी खारिज हुई है। क्या दोनों में कुछ समानता है और लगता है कि आगे कुछ और होने वाला है? नहीं, सबसे पहले तो एक सुधार है कि याचिका जो रीट दायर किया गया था समन को इलीगल बताते हुए उसको खारिज नहीं किया गया है, बकायदा सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान बोला गया कि आप हाईकोर्ट जाइए, झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और हाईकोर्ट ये तय करेगा कि वो समन इलीगल है कि लीगल है। 23 सितंबर को चौथा समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना है ईडी के पास। अगर मुख्यमंत्री जाते हैं ईडी के बुलावे पे तो ये जो डेट मुकर्रर ईडी ने किया है वो 23 सितंबर का है। ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है सनी, वो करप्शन को लेकर के है और हेमंत सोरेन को बाकायदा करप्शन का स्लीपर सेल बताया गया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम, उनका भी जो बीजेपी ने चयन किया है उसके पीछे की भी वजह एक ये है कि वो मूलतः झारखंड के हैं, हजारीबाग के बताए जाते हैं। और वो लगातार 26 मिनट तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके सहयोगियों के ऊपर जो है बार बार ये बोल रहे थे। दर्शकों को यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि वो जो बातें बोल रहे थे, दरअसल झारखंड में बीजेपी के नेता और बाबूलाल मरांडी जैसे जो नेता हैं झारखंड में, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरा मसला अगर देखा जाए तो एक तरीके से वही था। लेकिन इसके अलावे वो एक तरीके से जो है कई अलग अलग घोटालों का नाम लेकर के और उन घोटालों में कितने पैसे का गबन हुआ है वो एक बैग में ही सही जो है वो बता रहे थे। जैसे बता रहे थे कि मनरेगा घोटाले में 1000 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया, अवैध माइनिंग में 1500 करोड़ का घोटाला हो गया, जमीन घोटाले में 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का घोटाला हुआ। तो कोई ठोस तो वो चूंकि वो कोई एजेंसी है नहीं, भले ही एक आरोप लगता रहे कि केंद्र की जो सरकार है बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसियों से परेशान कर रही है विपक्ष की सरकारों को, खास करके जो इंडिया अलायंस जो अभी के तौर पे जाना जाता है। शुरुआत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई उसमें बाकायदा हेमंत सोरेन को जो है बताया गया कि भाई ये इंडिया अलायंस के जो दिल्ली के इनके नेता हैं उनके लिए ये काम करते हैं, चूंकि स्लीपर सेल जैसे शब्द का भी प्रयोग किया। बिल्कुल, यूपीए 1 और 2 के कई सारे घोटालों का जिक्र करते हुए जो है संक्षेप में उन्होंने ये कहा कि चूंकि केंद्र में अभी इंडिया अलायंस के नाम से जो अभी जाने वाली जो संगठन है जो यूपीए के नाम से जानी जाती थी वो लोग अभी दिल्ली में है नहीं, तो दिल्ली में करप्शन करने का मौका मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में जहाँ जहाँ स्टेट में गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस या फिर कांग्रेस युक्त यानी कि इंडिया अलायंस की सरकारें, उस वो जो है वो एक तरीके से अपने स्टेट में जो है
करप्शन करने का काम कर रही है और वो पैसा जो है दिल्ली तक पहुंचाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कई सारे स्टेट का जिक्र किया गया, पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हेमंत सोरेन पे था। चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों था इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, पांडे जी भी हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि और किन किन लोगों का नाम आया इसमें, जैसे मंत्री आलमगीर आलम पे भी फोकस किया गया कि कैसे जो है उनके विभाग के जरिए जो है घोटाला किया जा रहा है, और मनीष रंजन जो अधिकारी हैं, राजीव अरू नेक्का का नाम आया। उसके अलावे अभी जो जेल में हैं छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, पूजा सिंघल, ऐसे तमाम लोगों का नाम जो है दिल्ली से लिया गया। और बतौर पूजा सिंघल और प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल और इन सब के बारे में ये बोला गया बीजेपी की तरफ से कि ये लोग जो है हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन के लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई भी विभाग में रहें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जैसे बाबूलाल आरोप लगाते हैं, वही आरोप जो है दिल्ली से लगाया गया। जमीन घोटाले को लेकर के आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी जब संकल्प यात्रा कर रहे थे, उसके एक दिन पहले संकल्प यात्रा जब शुरू करने जा रहे थे उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बकायदा एक नाम बताया था कि कैसे हेमंत सोरेन जो है, हेमंत कुमार सोरेन, शिवू सोरेन जो है, शिव सोरेन, बसंत सोरेन, बसंत प्रसाद सोरेन करके जो है ऐसा ऐसा नाम लेकर के वो आरोप लगाए थे बाबूलाल मरांडी। और उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके से जो है जमीन की लूट जो है ईडी शिकंजा कस रही है, चौथा समन जारी कर दिया गया है, वो कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया गया आज कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए जो समन किया गया है। तो एक तरीके से पूरे चारों तरफ से जो है बाउंड्री के अंदर जो है एक तरीके से कसने की जो कोशिश है वो किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा का पूरा जो है फोकस हेमंत सोरेन रहे। अब थोड़ा पांडे जी से पूछ लेते हैं, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आपको क्या लगता है कि इसके क्या कुछ और मायने हो सकते हैं कि या फिर जो स्टेट में चल रहा था वो अब सेंट्रल में हो गया ऐसा? नहीं नहीं, कुछ दिन पहले बाबूलाल भी दिल्ली में थे। हाँ। ब्रीफिंग होता है कई बार, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं जानते और इतना आदमी के नाम के बारे में, तो एक ब्रीफ तो तैयार कर ही दिया गया था कि इस तरीके से और इस लाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों और आज ही क्यों हुआ, ये सवाल सबसे बड़ा बात है। तो एक तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से अब बीजेपी को जैसे लग रहा है कि उनको उत्साह मिल गया। अच्छा, सिर्फ ये कहते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाके पहले अपना प्ली डालिए, वहाँ अगर कुछ होता है आपके पक्ष में होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो फिर आइएगा मेरे पास, हम देखेंगे। पर यह बीजेपी को लग रहा है कि सुप्रीम आदेश हो गया ये निर्देश, तो एक तो उनको बूस्टअप हुए। दूसरी बात वो ये हुए कि भाई ये जो पूरा अब चौथा सम्मन जब जारी हो गया तो अब तो किसी ना किसी एंगल पे जाना चाहिए मैटर को, तो उसी मैटर को लाया गया। लेकिन राजनीति बहुत उल्टा चाल चलती है कभी कदार, कभी कदार जो दिखता है वही होता है राजनीति, कभी जो नहीं दिखता वो होता है राजनीति, कभी जो बोला जाता है वो राजनीति होता है, कभी जो छुपा लिया जाता है वो होता है राजनीति। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पानी की धार को, जनता की निगाह को, पत्रकारों के सोच को क्या एक धार में मोड़ने की कोशिश की गई है ताकि दूसरा धार छिपा रह जाए, वो उस पर किसी का ध्यान ना जाए, या ये एक सिंपल थ्योरी है? अच्छा, एक टेक्निकल जो कि आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं पार्टियों की, जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उससे पहले किसकी सहमति जरूरी होती है? नहीं, जो देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या प्रदेश प्रवक्ता, आपको तो अध्यक्ष से एक सहमति लेनी पड़ती है, दूसरा उस सब्जेक्ट का जिस चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए स्टडी कराया जाता है अगर पिक्यूलियर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया जाए। ऐसे जो मान लीजिए सामान्य तौर पर महंगाई, बेरोजगारी ये सब पे चर्चा चल रहा है, तब तो जो प्रवक्ता हैं वो अपना अपना टीवी डिबेट या मीडिया में बैठेंगे, लेकिन किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले या पार्टी कराती है प्रवक्ताओं के ही थ्रू, तो कंसर्न अध्यक्ष का लिया जाता है। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि पार्टियों में अध्यक्ष से ज़्यादा भी पावर किसी सेंटर में रहता है, तो क्या उन सेंटर से भी इजाज़त लेनी पड़ती है? मेरा सीधा सवाल है कि क्या आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी सहमति होगी? बिल्कुल, बिना उनके अध्यक्ष की सहमति नहीं होगी।
अगर इन्होंने पूछा भी होगा कि सर ऐसा ऐसा डिटेल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, अध्यक्ष जी ने भी अपना सवाल लिया होगा, ये समान प्रक्रिया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सनी, इसको लेकर के झारखंड के जो पत्रकार हैं उनके बीच में पिछले तीन दिनों से चर्चा चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होना है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ये आप इसको समझिए। भले ही वो तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और बाबा जो बोल रहे हैं कि भाई राजनीति में चीज़ें जो है वो सब कुछ सीधी नहीं होती है, अभी हम लोग भले ही ये चर्चा कर रहे हैं, देश भर में भले ही ये चर्चा हो कि हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन की फैमिली और खुद हेमंत सोरेन पे जो है बीजेपी हमलावर हुई, आप इसको देखिए कि 20,000 करोड़ का घोटाले का आरोप बीजेपी लगाई है। ये जो ईडी अब तक जो 1,000 करोड़ घोटाले का रुपये का घोटाले का आरोप लगा रही थी माइनिंग अवैध माइनिंग मामले में, इसको ये लोग 2,000 करोड़ रुपये का घोटाला बता रहे हैं। मतलब ईडी का जो आकलन है उसके ठीक 2 गुना आकलन जो है बीजेपी कर रही है। आपको याद होगा कि मधु कोड़ा को भी जो है 4,000 करोड़ रुपया के घोटाले से जोड़ा गया था, अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आप देखिए कि इनके ऊपर जो है 20,000 करोड़ रुपया का घोटाले का आरोप लगा दिया गया और बोला गया कि भाई इनको ठेका मिला है कि झारखंड में जो है झारखंड को लूटिए और वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो पैसा आप दिल्ली लेकर के आइए। ये इंडिया अलायंस पे एक पूरे के पूरे अलायंस पे एक सवाल इसके हेमंत सोरेन के जरिए किया गया कि भाई हेमंत सोरेन जो है इनके लिए काम कर रहे हैं, और चूंकि इन लोगों का लूटने का आदत पहले से रहा है, यूपीए 1 और 2 में कई सारे घोटाले हुए हैं, तो अभी चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है तो भाई कहाँ करेंगे, तो जहाँ स्टेट में है, तो इस तरीके का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई और ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जो मेन जो सवाल है, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उपजा है, जो लोगों के जहन में भी है कि क्या बीजेपी वाकई में हमलावर है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है। 5 दिन तक दिल्ली में हेमंत सोरेन रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, और इधर से आप देखिए कि इस तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद, ये आपको याद होगा कि जब लिफाफा जब हेमंत सोरेन के संबंध में जब ये जो अरगोड़ा में जो माइनिंग का जो एक लिया गया था पट्टा लिया गया था उसको लेकर अनगाड़ा में, वो उस संबंध में भी लिफाफा खुलने वाला था, लिफाफा अब तक कहाँ है, गायब हो गया, राज्यपाल भी बदल गए, महाराष्ट्र चल गए, लिफाफा में क्या था नहीं है, मतलब चल क्या रहा है आप लिफाफा। मेरा सवाल है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जो बोला गया है, उसके आड़ में बहुत कुछ अंदर से जो है चीज़ें पक रही है, खिचड़ी पक रही है। क्या, वो क्या? आपको सनी, चूंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली के जो नेता हैं चाहे वो एनडीए के हों या फिर इंडिया अलायंस के हों, उनको कोई स्टेट नहीं दिख रहा है, दिल्ली का सत्ता दिख रहा है, दिल्ली वो कैसे बचाना है, फतह कैसे होगा, उस पर काम हो रहा है, और उसमें कौन किस भूमिका में होगा, किधर जाएगा, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है उस पर कितनी बेचैनी है एनडीए के नेताओं में, तो ये सब चीज़ें दिखती है। और अब क्या होगा नहीं होगा आने वाले दिनों में, हो सकती है कि झारखंड में जो है जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल जो समीकरण आप और हम जो देख रहे हैं अभी, वो हो सकता है कि बदला हुआ दिखाई दे लोकसभा चुनाव तक, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के लाइव कर रहे हैं और कल जो है चीज़ें साफ साफ दिखने शुरू हो जाए, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अभी जो बोला जा रहा है लोकसभा चुनाव तक कई सारी चीज़ें सच होंगी, तब पता चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने था। क्या लग रहा है कि सचमुच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे ये बता रहे हैं कि कुछ और खेला हो रहा है? परसेप्शन बनाने की तैयारी है। जो सही अगर प्रतुल सहदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो झारखंड के लोग जानते, एक एडिशन में छपता, दूसरा में नहीं दिखता। वहाँ दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कई स्टेट में अब यह चर्चा का विषय होगा। जो लोग हेमंत सोरेन को नहीं जान रहे होंगे, जो आम लोग, नेता तो सभी जानते हैं, तो वो भी अब चर्चा करेंगे। मधु कोड़ा की सरकार के समय में जो चर्चाएं होती थी वो कई स्टेट में होती थी, ठीक है, तो उसी तरीके से बनाया गया। अब ये बनाया गया, क्यों बनाया गया, इससे तो बहुत कुछ बदलता नहीं है। इससे ना तो न्यायालय का कोई फैसला बदलेगा, ना ईडी का कोई फैसला बदलेगा, ना कोई कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आएगा। वोटर पर इसका जरूरत क्यों नहीं? वो बहुत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो बहुत अपीलिंग कोई मास है। लीडर हैं क्या? ऐसा नहीं है। और ना ही हजारीबाग में उतना बड़ा खुद चेहरा है कि हजारीबाग के ही लोगों को कुछ वो कर पाए। तो वो दरअसल देखिए,
एक तो है कि आलमगीर साहब का नाम लेना था, तो भाई उन्हीं के जाति से आए तो ज़्यादा संख्यक को बैठाया गया, ऐसे आदमी को बैठाया जाता है ताकि वो कर ना पाए। जैसे कई बार होता है कि आपको देखिएगा मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको बोलना होगा तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को ही प्रवक्ता हाँ के तौर पे बोला जाता है, वो पार्टी का धैर्य रखने के साथ साथ ये सब भी देखा जाता है। तो दूसरी बात यह है कि अब ये चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पे ये चर्चा अगर शुरू कराने जा रही है बीजेपी तो क्या कुछ ऐसा घटने वाला है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा आगे होगी? तो उससे पहले कुछ दिमाग में डालने की कोशिश हो रही है क्या? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, ऐसा क्या हो गया कि भाई क्या होने वाला है? हाँ मतलब नहीं, आज ही क्या हुआ ऐसा जो मतलब बीजेपी इसको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहता है? आज ही सीएम लौट भी गए। हाँ सीएम चूंकि देखिए बाबा का तबीयत खराब है, वो गंगाराम अस्पताल में एडमिट हैं, एक पुत्र होने के नाते इनका दायित्व है उनका देखभाल करना और वो लगातार इस चीज में बने हुए हैं, पीआरडी भी जारी कर रहा है, उनके लोग भी जो आ रहे हैं मिलने, जो गुरुजी के करीबी हैं उन सबको मिल रहे हैं, डॉक्टर से सलाह लेना। तो ये एक है कि भाई इन वजहों से वो दिल्ली में थे, ठीक है। दूसरा था कि भाई मंडे को आना भी था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो वो निर्णय भी आ गया। तो अब मुख्यमंत्री को झारखंड हाई कोर्ट में जाना है, तो झारखंड हाई कोर्ट में जाने के पहले तो प्रिपरेशन करेंगे, अपने लीगल एडवाइजरों से फैसला लेंगे, लीगल टीम को बोलेंगे, तो उसके लिए आए। लेकिन क्या बीजेपी कुछ दिखा के कुछ छुपा रही है? क्या दिखा कर क्या छुपा रही है ये तो स्पष्ट होगा जब थोड़े दिन बीतेंगे। मुझे जो लग रहा है कि ये जो 5 दिनों से दिल्ली में थे सीएम, आपको याद है कि इंडिया अलायंस का जो कई सारी सब कमेटी बनी जिसमें एक जो बैठक होनी थी और वो गए थे पहले उस बैठक में शामिल होने, शरद पवार और बाकी लोगों के साथ जब वो मिले तो एक तस्वीर भी बाकायदा उन्होंने साझा किया और उसी मीटिंग के बाद तय हुआ था कि कौन कौन से एंकर्स के शो में जो है इंडिया अलायंस के लोग नहीं जाएंगे। कई सारी चीज़ें चल रही है, पूरा फोकस जो है देश भर में जो लीडर्स हैं उनका फोकस लोकसभा चुनाव पर अब केंद्रित हो गया है। ऐसे में ये जो एक्टिविटी है उसका प्रभाव दुष्प्रभाव सब कुछ जो है राजनीतिक समीकरण से जोड़ करके देखा जाना चाहिए और लोग देखते भी हैं और इसमें मतलब कोई दिक्कत भी कहा जा सकता है कि आने वाले 1-2 दिन 2-4 दिनों में नेताओं के बयान और उनकी गतिविधि से भी बहुत कुछ साफ होगा? नहीं इतना जल्दी तो सब कुछ साफ नहीं होगा, अभी तो बहुत सारी अभी नेक्स्ट 23 को ना शायद बुलाया गया है, 23 से पहले कुछ पता चले या उसके बाद 23 को मुख्यमंत्री को बुलाया गया है चौथा समन जारी करके, उस बीच अभी 4 दिन का टाइम है, अगर हाईकोर्ट से कुछ निर्देश आ जाए हाईकोर्ट जाएंगे ही अभी नहीं, हाईकोर्ट तो जाना है कल जाएंगे ही वो, तो वो तय हो जाएगा कि भाई अगर हाईकोर्ट से कोई निर्देश आता है तो उसके हिसाब से ये लोग तय करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। अगर इनके पक्ष में आ गया राहत मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर राहत नहीं मिली तो ईडी का सामना करना पड़ेगा इनको। कई सारे सवाल हैं और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझिए नहीं इसको, अभी पांडे जी एक बात बोल रहे थे कि अगर झारखंड में प्रतुल सहदेव या फिर दूसरे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता तो वो एक सीमित क्षेत्र तक झारखंड के इलाके तक सिमट करके रह जाती, देश भर में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो ये परसेप्शन बनाने के पीछे भी कई सारी चीज़ें होती है, आपको याद है कि 5 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी खुद किसी पे करप्शन का चार्जेस लगाते हैं कि भाई सबसे बड़ा अगर कोई करप्ट है तो फलाना है, और वही व्यक्ति फिर से बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो बहुत सारी चीज़ें तय नहीं होंगी, सेंट्रल एजेंसियां जैसे काम कर रही है वो अपना काम करेगी। ये तो तय है कि अब कल फिर सुप्रियो भट्टाचार्य 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बहुत चीज़ें वो जाहिर सी बात है, नहीं वो तो एक कोरम है इस टाइप का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे का खेल होता है सनी, आप भी जानते हैं पब्लिक भी जानती है कि भाई क्या चल रहा है, बयानों से राजनीति नहीं चलती है, बयान सिर्फ जो है जनता को उसमें के साथ इंगेज करने के लिए होता है, एक मास सिर्फ मैसेज देने के लिए होता है, तो इस सब को दरकिनार कर दीजिए। आप देखिए ना कौन सा इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा मुद्दा कि आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, 20,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, और एक ऐसे भले ही उनको नेशनल स्पोक्स पर्सन का पद मिला हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो जानते होंगे कि भाई सैयद जफर कौन है, इस्लाम कौन है। तो ये बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, किन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया,
अगर हेमंत सोरेन पे इस तरीके से हावी होना था तो कोई बड़ा चेहरा और आता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पार्टी के लोग बोलेंगे कि भाई पद बड़ा होता है, लेकिन चीज़ें समझ में आती है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब जबकि 5 दिन के बाद दिल्ली से लौटे हैं, अब इंतज़ार कीजिए कि हाईकोर्ट मूव करने के बाद हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है, या फिर हेमंत सोरेन 23 तारीख को जाते हैं कि नहीं जाते हैं ईडी के दफ्तर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलेंगी, लेकिन हाँ हर एक एक्शन का जो है उसका रिफ्लेक्शन पड़े दिखेगा लोकसभा के चुनावों की रणनीति को लेकर के रणनीति पर, और जनता भी इसको बहुत तब समझने लगी है, बहुत ही मतलब समझदार है, ऐसा नहीं है कि जनता समझती नहीं है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे के जो मायने हैं वो समझ में आएगा। अभी आप देखिए ना, जिस पदाधिकारियों का नाम लिया गया पूजा सिंघल का मनरेगा घोटाले का, तो वो तो ऐसा नहीं है कि 2019 के बाद ज्वाइन की हैं, और राजीव अरुण का 19 के बाद ज्वाइन किए, मनीष रंजन का नाम जो है, इन सब का नाम तो पहले से चला रहा है, और ये लोग बीजेपी की सरकारों में भी ये लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पदों पर रहे हैं। तो आप जब कार्रवाई ईडी अगर कार्रवाई कर रही है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि भाई एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, बाकी का जो कार्यकाल रहा है दूसरे मुख्यमंत्री का, उसमें आप देखिए ना कि इन लोगों का क्या भूमिका था। प्रेम प्रकाश कोई ऐसा थोड़े कि 2019 में एक लाइजनर पैदा ले लिया, ये तो पिछले कई दशक से ये लोग लाइजनिंग का काम कर रहा है, पॉलिटिकल गलियारों में एक बड़ा नाम है, ये लोग तय करता है कि कौन डीसी रहेगा कौन एसपी रहेगा। ये जो पदाधिकारी हैं कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 2019 में जन्म ले लिया है ये लोग, तो कई सारी चीज़ें, ये सब बातें तो शुरू से ही जैसे ही उनका नाम आया ये बातें आ रही है। एक आखिरी कमेंट पांडे जी आपसे कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके मायने पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इसके मायने कब तक आसान से लोग समझ जाएंगे और उसका असर दिखने लगेगा, कितने दिन बाद? जब सीट बंटवारा इंडिया अलायंस में तय होने लगेगा तब आपको दिख जाएगा, ये दिखेगा। हाँ, अगर कुछ है तो दो तरह का मार होता है, एक माँ मारती है और एक पुलिस वाला मारता है, दोनों में अंतर है, मारता दोनों को ही है। माँ मारती है कि चोट ना लगे कि सुधरे। और पुलिस वाला मारता है कि तुम मेरा दिमाग खाया और क्राइम किया इसलिए। पुलिस भी तो सुधारना चाहता है। तो वही होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दो तरह का होता है, अंतर है। सुधारना तो दोनों चाहते हैं लेकिन चोट में अंतर है। माँ नहीं चाहती कि चोटिल करे, पुलिस वाला चाहता है चोटिल करे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दो तरह का होता है, कह भी दे नहीं भी कहें, और एक होता है कि हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, हर जगह कहेंगे, सबसे कहेंगे। तो दोनों तीनों चीज में अंतर होता है, इसीलिए नेता जब हाँ बोले तो वो हमेशा हाँ होगा, इस बात का गारंटी नहीं लिया जा सकता, और ना का मतलब ना ही होता है, ये नहीं होता। तो बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर थी और यही वजह है कि हम तीनों लाइव आकर आपको ये जानकारी दे रहे थे। जो दर्शक अभी जुड़े हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से हम बता दें कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में शायद पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 26 मिनट का, और ये पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड रहा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर, और लगातार निशाना साधा गया, भ्रष्टाचार की कहानी जो है वहाँ से सुनाई गई, वो टेप पहले यहाँ से चलता था अब दिल्ली से चला है। अब चूंकि सवाल ये है कि भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, और मुख्यमंत्री दिल्ली से आज ही शाम को रांची पहुँचे, और इसी बीच दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यही वजह है कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, इसके मायने पर जो है अब चर्चा हो रहे हैं। आप भी अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आखिर इसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या असर दिखेगा। आप बताइए, आपके कमेंट को हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे इस पर हम लोग बातचीत भी करें। शुक्रिया।